हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 11 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के शाम के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बाबूलाल मरांडी, झारखंड की सियासत पर हुई चर्चा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आगे देखते हैं, शादीशुदा प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को मारा, भाइयों ने दिया साथ, जंगल में दफनाया शव। झारखंड के पलामू में शादीशुदा युवती ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। पूछताछ में युवती ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड शादी के बाद उसे रिश्ता जारी रखने के लिए ब्लैकमेल करता था। आगे देखते हैं, झारखंड वेदर अपडेट में देख लेते हैं। 14 जुलाई से रांची में बरसेंगे बादल, 11 से संताल परगना में भारी बारिश। झारखंड के संताल परगना प्रमंडल में कई जिलों में आज से 3 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्जन के साथ वज्रपात भी होगा, वहीं तेज हवाएं भी चलेंगी। आगे देखते हैं, जज की हत्या लार्जर कॉन्स्पिरेंसी, इंटरपोल की मांगी मदद। सीबीआई ने कोर्ट को बताया धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की जांच को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ पर इसकी सुनवाई हुई। टीचर ने बेइज्जत किया, मैं सह नहीं पाई, सुसाइड नोट लिख 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी। धनबाद में कुलकर्मी स्वर्गीय विजय बावरी की 17 वर्षीय पुत्री व 10वीं कक्षा की छात्रा उषा कुमारी ने अपने ही क्वार्टर में पंखा से कुंडी में दुपट्टा के सहारे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं, झड़ रहा मॉडल स्कूल की छत का प्लास्टर, नीचे जिंदगी दांव पर लगा पढ़ रहे बच्चे। तुरपा प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजकीय कृत मध्य विद्यालय। इस प्रस्तावित मॉडल विद्यालय का भवन काफ़ी जर्जर हो गया है। स्कूल भवन के कमरे की छत का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। आगे देखते हैं, हेमंत कैबिनेट की बैठक आज, मानसून सत्र को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आगे देखते हैं, झामुमो जिलाध्यक्ष पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। हजारीबाग के झामुमो जिलाध्यक्ष शंभूलाल यादव पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर विष्णुगढ़ थाना में महिला के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है, छानबीन शुरू हो गई। आगे देखते हैं, ये था आज का हमारा न्यूज़ सेशन। हमारा 2 न्यूज़ सेशन आता है, एक मॉर्निंग में आता है, एक संध्या शाम में आता है, जिसे मैं संध्या न्यूज़ के नाम से जानता हूँ। दोनों ही में मैं झारखंड के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको मैं कवर करता हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक झारखंड के इम्पोर्टेंट न्यूज़ पहुँच सके। और हमारा चैनल का जो 1K का टारगेट है उसको भी अचीव कराने में अपना सहयोग करिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।